नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में महिला शिक्षा सेवकों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का हुआ ऐलान। बिहार सरकार की तरफ से संचालित महादलित, दलित अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत महिला शिक्षा सेवियों के हित में सरकार ने फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब महिला शिक्षा सेवियों को भी 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व शिक्षा सेवकों को भी 2 शिक्षुओं के साथ 15 दिन का पितृत्व अवकाश मुहैया करवाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने साक्षरता की योजना में कार्यरत शिक्षा सेवकों को कई सुविधाएं लागू कर दी हैं। संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी के अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में जन शिक्षा निदेशक कुमार रामानुज ने शिक्षक सेवकों की सेवा में संबंधित बिंदुओं पर उक्त आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक पहले टोला सेवक जो अब शिक्षक सेवक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वर्चुअल संवाद के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर दिख रही है। इसी क्रम में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वर्चुअल सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में गांव गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नीतीश सरकार को जल जीवन मिशन से नई ताकत मिली है। कोविड-19 में भी 7 लाख घरों को नल से जल मिला और साथ ही सुरक्षित करवाया गया है। आने वाले 3 सप्ताह में मछली निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राजधानी पटना के राजू कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात भी की है। राजू कुमार ने बताया कि पहले कृषि से अधिक मुनाफा नहीं होता था, मत्स्य योजना से जुड़ने से अधिक मुनाफा हो रहा है। वहीं आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में लोगों का संबोधन करते हुए कहा कि रउआ सभी के प्रणाम बा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रोजेक्ट में लापरवाही बरत रहे 4 मुखिया पर दर्ज हुआ मामला। राजधानी पटना में जिन मुखिया जी ने सरकारी योजनाओं में लापरवाही बरती है, अब उन पर पूरी सूची उनके सामने आ गई है। इसी क्रम में बीते दिन पटना के 4 मुखिया के खिलाफ जांच अभियान शुरू किया जा चुका है। एक मुखिया पर एक ही योजना के लिए 2 बार पैसे निकालने के मामले सामने आने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि दूसरे मुखिया पर बिना काम कराए पैसे की निकासी की बात कही गई है। इन सभी मुखिया के खिलाफ जांच शुरू करवा दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना में अब तक योजनाओं की गड़बड़ी के मामले में कुल मिलाकर 11 मुखियाओं के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गली नली और सड़क निर्माण के मामले में फतवा प्रखंड के 2 बिहटा के 1 और पटना सदर के नकटा दियारा के 1 मुखिया के खिलाफ जांच शुरू किया जा चुका है, जिन्होंने सरकारी कामकाज में घपलेबाजी करने की कोशिश की है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद से दिया इस्तीफा। रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर जारी जद्दोजहद पर पूर्ण विराम लग गया है। मिली जानकारी के अनुसार रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए राजद को इस्तीफा सौंप दिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा एक सामान्य पन्ने पर लिखकर भेजा है, जिसमें उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के गुजर जाने के बाद 32 साल तक आपके पीछे पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजनों ने मुझे पर भरोसा दिखाया, मुझे क्षमा करे। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। उनके जाते ही जदयू सांसद ललन सिंह का बयान भी जारी किया गया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजद पार्टी में बिहार के सम्मानित और प्रतिष्ठित नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे अनमोल धरोहर को भी संभाल नहीं सकी है। राजनेता बात करते हैं सम्मान और इज्जत की। अगले 24 घंटे में उत्तर बिहार के कई जिलों में हो सकती है बारिश। बिहार में मॉनसून की गतिविधि काफी सक्रिय नजर आ रही है। राज्य में मौसम में काफी बदलाव नजर आया है। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार भारती के अनुसार आने वाले 24 घंटे में मौसम की गतिविधि सामान्य रह सकती है, हालांकि उत्तरी बिहार में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिक की माने तो उत्तर पश्चिमी भाग में 1 या 2 स्थान पर भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं उत्तर बिहार के अनेक स्थान पर दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर पर बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा रामनगर में 7 सेंटीमीटर, सरैया में 5 सेंटीमीटर, रेवाघाट छपरा में 4 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, सिवान, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, गया और जहानाबाद जिलों में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। बीपीएससी मेंस 13, 14 और 16 अक्टूबर जबकि न्यायिक सेवा पीटी परीक्षा होगी 7 अक्टूबर को। 65वीं बीपीएससी संयुक्त मुख्य परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 16 अक्टूबर को करवाए जाने की घोषणा की जा चुकी है। बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि परीक्षा की संभावित तारीख है, अंतिम निर्णय आना बाकी है। प्रारंभिक परीक्षा में 6,517 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, जिसमें 63 डीएसपी सहित 434 पद मौजूद है, जिसमें से सीनियर डिप्टी कलेक्ट्रेट के 32 पद भी है। दूसरी तरफ एकादशी बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 7 अक्टूबर को आयोजित करवाई जाएगी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी दे दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि परीक्षा की संभावित तारीख है 180। बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 221 पदों पर सिविल न्यायाधीश का चयन होना है। इस पूरी जानकारी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर ली जा सकती है।
कोविड-19 के माहौल के बीच शिक्षकों और विद्यार्थियों को ग्रुप में बांटकर बुलाने की हो रही है तैयारी। 21 सितंबर से सीनियर विद्यार्थियों को स्कूल भेजने की तैयारी की जा रही है। केंद्र के निर्देश के बाद पटना के स्कूल में भी तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक अभी स्कूल के छात्र को शिफ्ट वाइज बुलाने की योजना बनाई जा रही है। शिक्षकों को भी ग्रुप में बांटा जा रहा है और फिर कक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। छात्रों को भी सेक्शन वाइज बुलाने की तैयारी हो रही है, जिसमें कुछ छात्र प्रैक्टिकल क्लास करेंगे और कुछ अपने डाउट क्लियर करेंगे। पटना के कई स्कूल में पूरी प्लानिंग हो चुकी है और कुछ जगह पर फिलहाल प्लानिंग जारी है। स्कूल की माने तो स्कूल में मॉर्निंग बस सुविधाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। इसके साथ ही छात्र आएंगे अपने ट्रांसपोर्ट द्वारा और अभिभावकों की लिखित मंजूरी के साथ उनका आने की अनुमति दी जाएगी। सभी छात्रों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और अपने पानी की बॉटल लेकर आना अनिवार्य होगा। स्कूल को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। कमला बलान में आई उछाल से घनश्यामपुर के 10 गांव में फैला पानी बारिश के आसार को कम होता देख बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत की उम्मीद जागी थी। वहीं अब एक बार फिर से बीते दिन कमला बलान नदी में अचानक आए उछाल से प्रखंड के डूबे क्षेत्र में बसे 10 गांव में बाढ़ का पानी एक बार फिर से प्रवेश कर गया है। गांव में बने दर्जनों घर में बाढ़ का पानी घुसने से लोग एक बार फिर सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन करने लगे हैं। गांव में अफरा तफरी का माहौल है। जीतिया पर्व के नहाय खाय के दिन बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों को अपने परिवार और मवेशियों की जान बचाने के लिए परेशानी करते देखा गया। नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे वैजनाथपुर बाहर नवटोलिया समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस गया है। इन गांव के सभी सड़कें डूब गई हैं। मध्य विद्यालय रसियारी, मध्य विद्यालय बोटकन्या सहित आधा दर्जन स्कूल में बाढ़ का पानी घुस गया है। बिहार में 2020-22 सत्र के लिए इंटर दाखिला के नामांकन की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। बिहार में इंटर दाखिला 2020-22 सत्र के तहत स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है, जिसके तहत 11 से 13 सितंबर तक छात्र स्पॉट नामांकन के लिए संबंधित स्कूल या कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं। वहीं 15 से 18 सितंबर तक स्पॉट नामांकन लिया जाएगा। इससे पहले बिहार बोर्ड द्वारा पूरे राज्य भर के शिक्षण संस्थान में बची हुई सीटों की पूरी सूची OFSS पर आज जारी कर दी जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के कॉलेज और स्कूल का नाम शामिल किया गया है। छात्र कॉलेज और स्कूल की सूची देखकर बची हुई सीटों की जानकारी आसानी से ले सकेंगे, जिससे छात्र को अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेज में बची हुई सीटों की जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दें, स्पॉट नामांकन के लिए 13 सितंबर तक आवेदन देने के बाद संबंधित स्कूल और कॉलेज द्वारा 14 सितंबर को चयन सूची जारी की जाएगी। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे दिख रहा है भाजपा। आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का सहारा लेते पार्टी दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा तैयारियों में जुट गई है और अब भाजपा सुशांत सिंह राजपूत के मास्क, हर बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप और सप्तऋषियों के गठन का काम कर चुकी है। पार्टी अपने सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को पूरी तरह भुनाने की तैयारी कर रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर एक बार फिर से बड़े ब्रांड मोदी से सर्वाधिक रैलियां करवाने की मुहिम शुरू की जा सकती है। कोविड-19 के कारण इस बार वर्चुअल रैलियों का आयोजन होगा। नगर विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारत का प्रधानमंत्री की कुल 6 रैलियों का आयोजन करवाने का मन बना लिया गया है। इसके साथ ही चुनाव पूर्व होने वाली पाली हर रैली में उद्घाटन शिलान्यास की घोषणाएं की जाएंगी, इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। राज्य सांसद मनोज झा हो सकते हैं विपक्ष के उम्मीदवार। 14 सितंबर को राज्यसभा उपसभापति के चुनाव किया जाना है। खबरों के अनुसार राज्यसभा उपसभापति चुनाव में राजद सांसद मनोज झा विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। विपक्ष दलों ने उनके नाम पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। बिहार में राजद के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। पहले डीएमके के तिरुचि शिवा को विपक्ष का उम्मीदवार बनाने की बात हो रही थी, मगर केंद्र सरकार की तरफ से जदयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। पहले वो राज्यसभा के उपसभापति रह चुके हैं। वहीं सरकार की तरफ से हरिवंश पर आम राय बनाने की कोशिश की गई है। राज्यसभा उपसभापति चुनाव में विपक्ष सरकार को टक्कर देना चाहता है, इसलिए विपक्षी दलों की कोशिश है कि हरिवंश के खिलाफ मनोज झा को उतारा जाए। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मनीष तिवारी की। मनीष तिवारी एक भारतीय फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है। उन्होंने इश्क, दिल, दोस्ती जैसे कई फिल्मों का लेखन किया है। कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके मनीष तिवारी का जन्म 5 सितंबर 1972 को आज ही के दिन बिहार में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। साल 2007 के बाद से वो काफी सक्रिय होकर फिल्मी दुनिया में काम कर रहे थे। हालांकि मनीष ने अब तक 2 फिल्मों का निर्देशन किया है, जिसमें सबसे पहले दिल दोस्ती और इश्क और दरबार है, जो कि उन्होंने 6 साल के अंतराल पर बनाया था। आपको बता दें, मनीष को उनके काम के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तेजस्वी यादव के आवाहन पर राबड़ी देवी की आवाज समेत कई जगहों पर दिखी झलक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवाहन के बाद बुधवार को कई जगह पर लालटेन, दिया, मोमबत्ती जलाया गया। इस कड़ी में पटना में लालू प्रसाद यादव के परिवार ने लालटेन जलाया। पटना में रात 9 बजे से पहले सर्कुलर रोड स्थित लालू राबड़ी आवास में लालू परिवार ने लालटेन जलाए। इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सहित राबड़ी देवी ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया, जहां पर सभी नेता 9 मिनट तक लालटेन लेकर खड़े दिखाई दिए। इसके साथ ही इस मुहिम को उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी सपोर्ट किया, जो सिंगापुर की रहने वाली है। सिंगापुर में अपने घर पर लालटेन जलाया। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ रही बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ सभी लोगों से बुधवार की रात 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर की सभी लाइट को बंद करके दिया, कैंडल और लालटेन जलाने का आह्वान किया था, जिसे बिहार से लेकर
विदेश तक बड़ी सफलता मिली है। पटना कलेक्ट्रेट का नया भवन 25 महीने में बनकर होगा तैयार। पटना समाहरणालय का निर्माण कार्य विश्वकर्मा पूजा के बाद शुरू होने वाला है। पटना हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। समाहरणालय हेरिटेज बिल्डिंग किस श्रेणी में आता है या नहीं, यह मामला एक साल पहले हाईकोर्ट से चल रहा है। यह संस्थान इसे हेरिटेज बिल्डिंग बताते हुए इसे तोड़ने पर रोक लगाने की मांग करते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने कला संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव रोहित परमार के नेतृत्व में अर्बन हेरिटेज कमीशन गठित कर जांच करवाने और कमीशन से अध्ययन और जांच के बाद संस्थान के दावे को खारिज कर दिया है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट के निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता पवन कुमार को काम जल्द से जल्द शुरू करवाने का निर्देश दिया गया है। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 44 लाख के पार। भारत में कोविड-19 मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 95,735 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़कर 44,65,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक 34,71,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 1,172 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या 75,062 पर पहुंच गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार रघुवंश प्रसाद सिंह का राजद को छोड़ने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।